warm welcome to the Drama Company Super Nights. Festivals का season है तो celebration तो बनता ही है. इसलिए आज हम आए हैं यहाँ अपनी celebrations की शुरुआत करने के लिए. ये सब झूठ है. सच बात ये है कि मेरी पत्नी जो है मिथुन दा की बहुत बड़ी fan है. इसलिए दादा से मिलवाने के लिए यहाँ चलाया. दादा, how are you doing? Fine, thank you. दादा, I love you. वाह, वाह. दादा, अरे, पड़ोसी, my neighbour, welcome. Welcome to the Drama Company Super Nights. Welcome, guys. What a Thank super you. performance. त्योहारों का मौसम है. त्योहार में इन्होंने चार चांद लगा दिया अपने डांस के साथ. तो रवि, आप बताओ कि त्योहारों के मौसम में सबसे पहले आप क्या करते हो? बैंक अकाउंट चेक करता हूँ. बैंक अकाउंट वो क्या है, मेरी हाई मेंटेनेंस जो बीवी है उसको त्योहार हो या ना हो 365 दिन उसको नया 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 कुछ चाहिए होता है, तो कहीं नए पति की नौबत ना आ जाए इसलिए मैं अपना वॉलेट चेक करता रहता हूँ. मतलब सरगुन सिर्फ शॉपिंग की लिस्टें बनाती है बस. तुम ये मत बोलो क्योंकि अगर तुमने ये बोला तो तुम अपने घर में भूखे मर जाओगे. इतना आलसी आदमी, इसके घर का राशन तो मैं लाती हूँ. आपके लिए आए, आप जाइए, आपके लिए आए. Hi Red, how are you, baby? कौन है आप? How are you? I'm okay. मैं तेरी दिल्ली वाली girlfriend. मैं तो गुड़गांव से हूँ. झूठ बोलता हमेशा. सब जानती हूँ तेरे बारे में, प्यार मुझसे किया और शादी उससे. दादा पति क्या किया इसने? मैं इसके पास डांस सीखने के लिए गई थी, मुझे ये स्टेप करवाता था, फिर ऐसा गलत स्टेप उठाया इसने मेरे साथ. ये देख, अभी स्टेप एक साल का हो गया है. चल चल चल, मैं उसकी वाइफ हूँ, है ना? हाँ, ये मेरी वाइफ है. और ये नहीं हो ही नहीं सकता. तूने कभी देखा नहीं मेरे को? नहीं देखा मैंने. तो सुहागरात पे मैंने बोला था एक बार देख ले मेरे को. देखा तो इसने मेरे को. अभी पता चल जाएगा ये तेरा पति है कि मेरा पति. वो कैसे? डांस में सबसे ज्यादा इसकी केमिस्ट्री किसके साथ है अभी पता चल जाएगा. बजाओ. मुझे नहीं करना ये डांस वांस चीज़. क्या क्या ऊंची हरकतें ये? मैंने सुना है बच्चे मन के सच्चे होते हैं. हाँ? पूछना है तो इससे पूछो कि इसका बाप कौन है. बेटा बोल बोल, तेरे पापा कौन है? कोई शक? दादा बेटा ये क्या बोल रहा है? बोल तेरे पापा कौन है? तेरी जात का पैदा मारू. अरे ये क्या? नहीं ये हो भी सकते. तेरी जात का कुत्ता पालू क्या? ऐसा बोलते शर्म नहीं आई आपको? ये भी हो सकते हैं क्योंकि मैंने सुहागरात में सामने वाले की भी शक्ल नहीं देखी थी. देखा बेटा, मैंने कहा था ना मैं निर्दोष हूँ. ये हो सकती. कोई शक? बहुत ऊँटी ऊँटी करते हो ना. अब आया ऊँटी पहाड़ के नीचे. अरे कोई शक? कोई शक? मैं देखूंगी आपको. थैंक यू वंस अगेन हमारी सेलिब्रेशन को डबल करने के लिए. अब द ड्रामा कंपनी सुपर नाइट स्पेशल में बारी है कुछ ऐसे गेस्ट को बुलाने की जिन्होंने पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड म्यूजिक पे अपनी धौंस जमा रखी है. बिल्कुल सही. एक से मिलने के लिए सारी लड़कियां रखती है अरमान, तो दूसरे ने किया है म्यूजिक में कमाल. प्लीज वेलकम द मालिक ब्रदर्स अरमान एंड अमाल. Thank you.
Welcome to the drama company, Super Nice! सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो फैमिली है, आई मीन फादर डब्बू मलिक, चाचा अन्नू मलिक, तो घर पे ये नॉर्मल बातें होती हैं या डांटता भी कोई जी शार्प और बी माइनर में? नहीं, हम लोग के घर में मालूम है बातें ऐसे होते हैं, कच काच कच काच कच काच कच काच, चिकन चिकन हो रहा था, अच्छा लगा, चिकन चिकन खाते खाते हम लोग टेबल प्लेट गिटार जो भी मिलता है हाथ में उससे बीट बनाते हैं और म्यूजिक बनाते हैं। वाह, फैमिली होते ऐसी सुपर। लेकिन अच्छा, ऐसे भी होता है ना जब लाइक सिंगिंग के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, ठंडा पानी नहीं पी सकते, गोलगप्पे नहीं खा सकते। वो मैं करता हूं। नहीं खाते हो? नहीं, नहीं, नहीं। तो क्या क्या गिव अप करना पड़ा आप लोगों को? ऑलमोस्ट 5 साल बाद एक आइसक्रीम खाया है इस साल, मतलब पांच साल बाद। नहीं तो उसको दही की तरह मेल्ट करके खाना पड़ता है। ऐसा कभी होता है कि लड़कियां जो है वो आपसे मिलने आई और सर ने पटा ली, या आपसे मिलने आई और इन्होंने पटा ली? एक्चुअली इनसे मिलने आती है, पटा मैं लेता हूँ। अच्छा अमाल, हमने सुना है कि आप में एक खास टैलेंट है। कौन सी बताए, काफी है। कभी कभी आपके अंदर अनु मलिक जी आ जाते हैं। हाँ, इसके लिए शायद गाली पड़ सकती है। अगर आप देख रहे हो तो मुझे गोली मत मारना। आई वुड लाइक टू से कि उनकी जो पर्सनालिटी है, जो म्यूजिक है और जो बातें करते हैं, दैट वो एक चीज मैं नहीं पूरी दुनिया इमिटेट करती है। एक गाना किया था मैंने, सूरज डूबा, उसके बाद ही कॉल्ड मी, इज लाइक बेटा क्या गाना बनाया। फुल मलिक खानदान का म्यूजिक एक तरफ है, ये कुछ नया है। और जियो बेटा क्या बात है, आग लगा दी, आग लगा दी आज। लेकिन और ये दो तीन चीजें ऊंची हैं बिल्डिंग। अब हम आपको एक सरप्राइज देना चाहते हैं। अब हम एक ऐसे शख्स को यहां बुलाना चाहते हैं जो ना होते तो आप ना होते। तो जोरदार तालियां बजाइए डब्बू सर के लिए। ऑलवेज दैट एक्सप्रेशन। डब्बू सर, आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा, आपका इन्वॉल्वमेंट इनके करियर में, इनके म्यूजिक में अब भी रहता है या ये खुद ही कर रहे हैं? इन दोनों बच्चों के सर पे उनके दादा का आशीर्वाद है, श्री सरदार मलिक जी का। जो भी नॉलेज इन्हें मिली है वो श्री सरदार मलिक जी से मिली है और उनकी दुआएं उनके साथ हैं। आज भी स्टूडियो में जब ये दोनों काम करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वो उनके साथ बैठे। सर, हम यही उम्मीद करेंगे कि ये दुआएं हमेशा बनी रहें और ये गाने हमेशा बनते रहें। फिलहाल के लिए हम अपना शो स्टार्ट करेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे आप दादा के साथ बैठे और एंजॉय करें द ड्रामा कंपनी सुपर। थैंक यू। अमाल, आपने तो बहुत बड़ा कमाल किया है, यहाँ तक कि सलमान खान से भी गाना गवाया आपने। लेकिन आज हमारे शो पे हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत बड़ा चैलेंज। एब्सोल्युटली, हमारी दो बहनें हैं जो बहुत ही टैलेंटेड हैं और अपनी एल्बम निकालना चाहती हैं। बुलाते हैं हमारी दो बहनों को और करते हैं एक म्यूजिकल जैम सेशन। तालियां। म्यूजिक बंद हुआ है कि रेड पड़ गई है? एक बात बताओ,
अब नाच काहे को रही थी? अरे तूने ही बोला मालिक आए हैं यहाँ पे, तो मालिक के लिए तो मैं हमेशा नाचती हूँ। क्योंकि जाते जाते विस्की के दोस्त ही पर 500 रुपये टिप ये हमेशा देते हैं वो। अरे दीदी मालिक नहीं हाँ? मलिक ब्रदर्स आए हैं, देखो बराबर से। अरे तो ऐसा बोल ना, मलिक ब्रदर तो ऐसे बोल रहे जैसे कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है इनका। ये तो अभी से जानती है, मैं तो कब से जानती हूँ। कब से? परिवार को, भाई बहनों सबको जानती हूँ। सबको? हाँ, चार लोग हैं ये। कौन? ये अन्नू, अब्बू, डब्बू और तब्बू। तब्बू इनकी बहन नहीं है? नहीं है, नहीं है। वो भी ऐसा कह रही थी, क्यों झगड़ते हैं आप लोग? खैर आपके गाने तो बहुत कमाल के, वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा था। कौन सा वाला? इतना पसंद आया मुझे, तब से मैं मतलबी हो चुकी हूँ। हम इतने मतलबी हो चुके हैं कि इन्हीं से बात कर रहे हैं, दादा को तरफ देखा तक नहीं हमने। यार दादा ये यू हैव ऑल्सो डन ए गुड सॉन्ग्स हियर इन योर लाइफ। लाइक अरे तुम जानते नहीं हो, तुम लोग नहीं जानते हो, दादा हैज डन अरेबिक फिल्म। अरेबिक? हाँ, उसका क्या हिट हुआ था गाना? कौन सी दीदी, कौन सा? जुआरे मस्ती मशरूम बुलुम्बस। इतना अच्छा गाना, उसने टांग तोड़ा। क्या, कौन सा था दीदी? गुलामी का गाना, वो जियाले बस्ती मशरूम शिकंजी। क्या था? मशरूम शिकंजी। जियाले इतना मकुन बरंजिस, ये इसका मतलब क्या होता है? मतलब यह है कि जब जब स्टेज पर ऐसे दो बहने आएंगे उसको लास्ट मार के। यू नो अमाल अरमान डब्बू जी, ऐसी वैसी को डाउन मार्केट बुढ़िया मत समझना मुझे। मैं हीरोइन रह चुकी हूँ अपने जमाने में। हाँ, बहुत बड़ी। बहुत पूरी फिल्में की है मैंने, बहुत बड़ी। अमाल यू नो ये क्रिश आई थी, क्रिश, वो भी मैंने रिमेक की है। पान मसाला खा के उड़ेला सैया, अब हम कहाँ से करें सैया छैया। मेरी सबसे बड़ी हिट फिल्म पता है कौन सी रही है? सबसे बड़ी हिट विक्की डोनर की थी मैंने भोजपुरी में। बहुत बड़ी। भाभी हो या पड़ोसन, सबको मिलेगा डोनेशन। खैर ऐसे फालतू की बातें छोड़। हा? अभी एल्बम बनाना है हमको अपना। एल्बम बनाऊंगी, इस उम्र में आपको देखेगा कौन? बहुत बेस्ती कर रही है तू। देख कोई देखे ना देखे, तीन लोग जरूर देखेंगे। कौन कौन? एक चिमन लाल, गजोधर। अच्छा। और एक लीला चाचा। ये दो को तो जानती है, लीला चाचा कौन है? अब डायरेक्ट थोड़ी मैं मिथुन दा कह सकती हूँ। लीला चाचा है। पर दीदी म्यूजिक के लिए किसको ले? म्यूजिक AR रहमान इज रिजेक्टेड। रिजेक्टेड? हाँ यार। क्यों? मैं उसको जब काम के लिए जाती हूँ मारते हैं वो लोग मेरे को, उसके गार्ड वहाँ पे। अच्छा। कहते तुम्हारी क्या औकात है, वो रिजेक्ट आया उसको रिजेक्ट। प्रीतम को ले लेते। प्रीतम को क्या लेना, वो जहाँ से लेता है उसी के पास चले जाते हैं। दीदी जहाँ ओरिजिनल की बात कर रही हो, दो नाम आए दिमाग में, अन्नू मलिक और डब्बू मलिक। दीदी खबरदार। क्या हुआ दीदी? खबरदार, उन दोनों का नाम लिया तो तूने। क्यों दीदी? क्या हुआ दीदी? Did you see his move? मुझे मेरी जवानी के दिन याद आ गए। अच्छा। अन्नु और डब्बू हमारे घर आया करते थे। अन्नु मुझे प्यार से मालकोस कहता था। मालकोस? और तेरे को तीन काली कहता था यार। जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। आज इनके बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। हाँ दीदी। हम बताना चाहेंगे। हाँ दीदी। कि कई साल पहले हमारे साथ क्या हुआ था। हाँ। He'll be heavy like a bomb.
क्यों किया हमारे साथ ऐसा? डब्बू जी, आपने अपने तो अरमान पूरे कर लिए, मेरे भी खेल दिए उसका क्या? अरमान और अमाल मेरे साथ डबल धमाल। बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। देखा, अभी अपना नाम बदल रहे, कहते अब्दुल्ला हूं मैं। डब्बू जी के लिए जोरदार तालियां। और अब द ड्रामा कंपनी सुपर नाइट्स लेने वाली है एक बहुत बड़ा टर्न। जी हाँ, क्योंकि यहाँ डिस्कस होने वाले हैं कुछ बहुत बड़े मुद्दे। बिल्कुल, तो द ड्रामा कंपनी में करते हैं चर्चा, यानी बिन बात की बकवास। बिना बात की बकवास में आप सभी का स्वागत है, और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और मुद्दे का नाम है गीत और संगीत। और मुद्दे की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक्सपर्ट यानी कि अल्ताफ जाजा जी से। अल्ताफ जाजा, नमस्कार। लेकिन बाहर निकली है बहुत धूप, खाने में पीता हूँ चिकन सूप। आपने क्या कहा, यहाँ चर्चा के लिए बुलाया है? हमने तो सोचा था खर्चा पानी मिलेगा यहाँ पर, हम चर्चा के लिए नहीं आए। तुम यहाँ हर जगह खाना खाने आते हो, गाना भी गाने आते हो कहीं? अरे गाने की क्या बात है, गाना तो ऐसे ही बस चलता रहता है, जरा छेड़िए। गाने का तो ऐसा है, इनकी हरकतों को देखकर तो आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि किस तरीके के एक्सपर्ट है ये। दरअसल इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। हमारे पास जो नोट थे वो नकली थे, इसलिए हमें एक्सपर्ट भी नकली बुलाने पड़े। तुम्हारी माँ का साकी नाका। ए तेल चपड़ू, नकली नकली क्या होता है? आग लगा दूंगा मैं। यू डोंट नो, ये मेरे भतीजे हैं, हमारे भतीजे भाई बैठा हुआ है। व्हाट डू नो? टबू दाग दिखा इनको, हमारे भाई लोग का। देख इधर, दाग डब्बू के भी है, इधर इधर है हम लोग के। यू डोंट नो, हमारा इधर सीआईडी मार के सीआईडी होता है। हम सोनी टीवी पे इधर आईएसआई नहीं, सीआईडी होता है, वो होता है सीआईडी होता है। अमाल और अरमान कैसे गोद पे बिठाता था मैं, इधर कंधे पे बिठाता था मैं। ये एक दिन इन लोगों ने बारिश कर दी, इधर उधर मैंने गाना। यू नो इन द नाइट डबो, मेरे दिमाग में एक गाना आया। लेकिन ये गाना तो इनका है। अच्छा, तो वो वाला गाना मेरे दिमाग में आया। ये गाना भी इन्हीं का है। तो फिर मैं रात को कर क्या रहा था, मुझे मालूम ही नहीं है। देखिए, आप ऐसी बीच बीच में हरकतें करके हमें गुस्सा दिला रहे हैं। आपको दिलाना ही है तो सामने वाले मॉल में सेल चल रही है, वहां से एक नाइटी दिला दीजिए। अरे ये क्या बात हुई, आप मर्द होकर नाइटी पहनते हैं? यस, क्योंकि स्कर्ट पहन के सोने में काफी दिक्कत होती है। खैर ये हो गई आराम की बात, अब हम करेंगे इनसे बात। पुराने टाइम में ऐसे अलग अलग टाइप के गीत होते थे, क्या एक गीत की कोई एक्सपायरी डेट होती है? जी हमें तो लगता है गाना कभी एक्सपायर होता ही नहीं, मेडिसिन थोड़ी है, गाने सालों साल चलते हैं। अब हमारा ही गाना देख लीजिए।
ये लीजिए ट्रेन का टिकट और निकल जाइए यहाँ। लेकिन ट्रेन में जाने के लिए टिकट थोड़े चाहिए होता है। इससे पहले कैसे सफर करते थे आप? हम तो छत पर बैठकर गाते गाते जाते थे। इस बार टिकट लीजिए और सीट पर बैठकर जाइए। सीट? हम ट्रेन की सीट पर बैठेंगे? अरे ये क्या बात कर दी, हम ट्रेन की सीट पर बैठेंगे? ट्रेन की सीट? अरे अरे ट्रेन की टिकट, अरे हमें ट्रेन का टिकट मिल गया। अरे खैर गानों की बात चल रही है, आपका फेवरेट गाना कौन सा है? गानों की कोई एक्सपायरी डेट होनी चाहिए या नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं होनी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको कुछ कहना है अनुजी? मैं इंडस्ट्री में 50 साल हो गया मेरे को। I don't like all this joking. नहीं नहीं आपको तो 25 साल ही हुए हैं आए हुए। कौन बोलता है सर? 25 साल हुए? जी। फोन किधर है? हेलो गुरुजी, अरे आपने तो बोला था 50 साल हुए मुझे इंडस्ट्री में। यार इधर भतीजों के सामने पोल खुल गई मेरी, 25 साल बोल रहे हैं लोग। आप अभी आइए गुरुजी, अरमान अमाल मेरे गुरुजी आ रहे हैं। अरे वाह अरमान अमाल मेरे बच्चे, बोलो जी। हाँ जी। ये रहो एक, हाँ ये रहो, ये पैर ऊपर करो, पैर ऊपर करो, आशीर्वाद लेना था। कैसे हो? इधर डिबेट चल रहा है म्यूजिक का, गाना सुनाएगा रश के कमर। ठीक है देखो गुरु हूँ तो गाना तो गाऊंगा पर मैं थोड़ा हारमोनियम इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये लीजिए ये लीजिए ये प्लीज लीजिए। सा 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 नि दा पा मा पा दा पा गा मा रे सा नि रे सा 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 गा गा मा मा नि दा सा। न्यू एज गाना सुनाओ लाइक मी। एक दिन में 2000 गाने बनाए मैंने। हाँ, कह रहे थे पीछे। एक मिनट ये तो इम्पॉसिबल है एक दिन में 2000 गाने बनाना। हाँ तो 3 बनाए होंगे, ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है नंबर में। आप बहुत बकवास बातें कर रहे हैं, मेरे सिर में दर्द कर दिया इन लोगों। अरे तो हमारा मेन काम है तेल मालिश का, 5 रुपए में तेल मालिश कर देते। कोई जरूरत नहीं, मैं कल ही शाम को खेत चपट चंपी करके बैठा। अरे नहीं आप कल की बात कर रहे हैं। वो तेल दूसरा नहीं था, यही तेल था वो। I am the new host of the show. अल्ताफ तुम्हारे पास क्या टैलेंट? हमारे पास बहुत खास टैलेंट है। एक मिनट। $150, 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
मार्केट में जाएंगे तो इसका भाव है 150 रुपए, लेकिन हम प्रमोशन कर रहे 90 में देंगे। देख लीजिए, अच्छा है, 1 साल की गारंटी है, पहनेंगे पानी नहीं उतरेगा। 90 रुपए। व्हाट इज दिस? चलिए 80। ये सिंगर लोग की बेइज्जती कर रहे हो। यू आर अ सिंगर, यू आर अ स्टार, व्हाट आर यू डूइंग ऑल दिस? 90 रुपए का बेच रहे हैं, मैं 20 में बेचता हूँ। 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। ये चेन इतनी मुश्किल से मिलती है हमें, और चेन लेते ही हम। ये गाड़ी गाड़ी बहुत हो गया, अभी ये प्लेन का टिकट है, आप उड़ जाइए। हम उड़ेंगे? हाँ उड़ेंगे। हम हवा में उड़ेंगे? अरे हम हवा में उड़ेंगे, हम हवा में उड़ेंगे, अरे हम उड़ेंगे। क्या बात है, अरे आनंद आ रहा है। वेरी गुड अरमान, मैं बहुत दिल का अच्छा यार। जब मैं सोच रहा था इस बात पे गाना हो जाए कि उड़ गए वो। अरे गाना क्यों नहीं होगा, भतीजे साथ में डबो, कहाँ वे जो शेड है। अमाल गाना बजा यार। आज के बाद कभी नहीं गाएंगे सुबह पहली गाड़ी से। सुन लो। अरे उसको उतारो भाई, वैसे थोड़ा थोड़ा मजा भी आ रहा है। आ रहा है? सब छोटे छोटे दिख रहे हैं। उतार दो। अरे टेबल दिख रहा है, हम नहीं दिख रहे। ए भैया, अरे ये चेन है, चेन सोने की, जो उतारेगा उसे मिलेगी। उतार पहले। पोचे वाले भैया, अरे उतार दीजिए हमें। अरे भाई साहब, आज आपकी फैमिली यहाँ पे है, लेकिन एक सदस्य है आपकी फैमिली से जो फैमिली का सबसे हैंडसम सदस्य है, तो हम उन्हें भी बुलाना चाहेंगे स्टेज पे। ये है मिस्टर हैंडसम मलिक। हेलो एवरीबॉडी, आई एम हैंडसम। कुछ बताइए इनके बारे में, कब आए आपकी लाइफ में? आई डिड माई फर्स्ट वेरी बिग सॉन्ग जो सूरज डूबा था, पहली बार वो गाना मैंने पुणे में परफॉर्म किया, पुणे जाके 2:30 एट नाइट निकला हूँ मैं अपने परफॉर्मेंस से, आई वेंट एंड पिक्ड हिम अप एंड आई गॉट हिम टू बॉम्बे। ओह माय गॉड, ही इज लाइक द थर्ड ब्रदर, ही इज अ ब्लेस्ड चाइल्ड, ही इज एक्चुअली चेंज्ड अ लाइफ, ही इज कम नॉट लाइक अ डॉग, ही इज कम लाइक अ गॉड इन अवर लाइव्स। चलिए तो हैंडसम आप बैठेंगे और हम अपना शो आगे बढ़ाएंगे। शुरू करते हैं 7 कदम। बाबा बाबा, आज आप सब लोग सोच रहे होंगे कि 10 कदम कह को नहीं है, 7 कदम क्यों है?
जीएसटी नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? हमारा 10 का ही था, थोड़ा काट छाट के हमारे पास साथ ही आया, तो क्या करेंगे? अरे हमारा फोन, अरे हमारा फोन गिर गया, इकलौता फोन था हमारे पास। बाबा भैया तो हमको नीचे तो उतार दीजिए। उधर गया कैसा तुम? अरे वाह, चलिए अभी हम चलते हैं। चलो। अच्छा शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन। अरे बहुत बड़ा। म्यूजिक के मतलब अलावा जब भी मुझे टाइम मिलता है बस इनके ही वीडियोस देखता हूँ, ओनली है सर। लेट्स कम टू द गेम, सात का दम। चल रहा है इधर साहब, चले सब बंद करा, क्या चल रहा है इधर, क्या चल रहा है इधर, क्या चल क्या रहा इधर? ओहो चमेली क्या बात है, काय चलो ये बंद करो, बंद कर देगा ये सब, चलो बंद करो। अरे क्या बंद करो, हमने चालू नहीं किया अभी तक इधर तो फटाफट चालू करो क्योंकि मेरे को बंद करने का है। ओहो त्रिमूर्ति, अच्छा आपसे तो बाद में निपटूंगी, ये दोनों इधर बैठे हैं, चलो गिरफ्तार करने आई हो तुम दोनों को। अरे अगर तुम इसको अरेस्ट करने को आए हो, तुम्हारे पास वो है क्या? अरे हाथ में लिया तो डर लगता है। आधार कार्ड? आधार कार्ड नहीं है। राशन कार्ड? कह रहे थे अपना अपन लाइसेंस चलान? नहीं यार वो नहीं रहेगा तो हमको अरेस्ट नहीं कर सकते, अपन बोलते ना क्या हो वारंट, वारंट वारंट नहीं है। वारंट? इधर है वारंट तुम्हारे पास? वारंट तो नहीं है मेरे पास। इधर से जाओ यार, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। ऐसे कैसे जाऊंगी मैं? जब तक तुम लोग जुर्म नहीं कर लेते उधर ही बैठूंगी, और जैसे ही तुम दोनों ने जुर्म कर लिया फुटुक पकड़ के अंदर डाल दूंगी। फुटुक? मुड़ते हमारे सवालों की तरफ, कितने प्रतिशत भारतीय एक्टर्स को लगता है कि वो सिंगर्स हैं? आपके ऑप्शन है 85%, 95%, 99.995% या 100%? 99.995. Five. सही जवाब। अब हम सिंगर्स की बात करते हैं। सिंगर लोग जो गाना गा रहे हैं कभी कभी वो एक्टर्स को सूट नहीं करते, जैसा अभी वो गाना हो, ए शिवानी तू लगी थी नानी, ये तो आप ही का गाना है। फिर वो नहीं, दूसरा कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के, ये भी आपका गाना है। अभी ये मत बोलना कि तेजदार भी मैंने गाया है, ये भी आपका गाना है। मैंने कितना काम किया है यार, मैंने इतना काम किया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लाओ मेरे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रतिशत भारतीयों को पता है कि अमाल मलिक, अरमान मलिक और डब्बू मलिक ये उनके रिलेटिव्स हैं? क्या फालतू सवाल पूछते रहता है, मैं सवाल पूछती हूँ, कितने प्रतिशत भारतीय को लगता है कि हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए? इसके लिए मैं एक टेस्ट लूंगी, टेस्ट ये है कि आप सबको डांस करना पड़ेगा, उससे हमें परसेंटेज पता चल जाएगा। आर यू रेडी? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.